आज मेरा था चेस्ट का वर्कआउट, तो सबसे पहले किया वार्म अप रियर डेल्ट का, ताकि बेंच में हेल्प मिले और इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो पहला वार्म अप सेट लगाया मैंने 80 किलो का, जिसके मैंने लगाए 5 रैप। एक्चुअली नीचे से लगा रहा था, पहले 40 के लगाए थे, फिर 60 के लगाए थे, तो वीडियो बनाना भूल गया था, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। 80 किलो के मैंने लगाए 5 रैप, तो उसके बाद मैं अपने आ गया मेन सेट पे। तो पहला मेन सेट था मेरा 100 किलो का, 100 किलो के मैंने लगाए हैं 3 सेट, जिसमें हर एक सेट में 5-5 रैप लगाए हैं बड़े आराम से। आस्ता आस्ता करके ऐसे ही हम इंक्रीज़ करेंगे और अपने PR को भी ऊपर लेके जाएंगे, पर तब तक हम कोशिश करेंगे 15 या 20 या एक महीने में ही हम अपना PR चेक करें। तो आप लोगों के लिए यही एडवाइस होगी, आप लोग भी ऐसा ही करें। तो मेन सेट कंप्लीट होने के बाद मैंने वेरिएशन ऐड की पॉज बेंच की। पॉज बेंच लगाने का एक ही मकसद है, ताकि आपके शोल्डर्स पे लोड जाए और होल्डिंग पावर बढ़े और शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़े, जिससे कि आपके PR में इंक्रीज़ होगा, आपको लिफ्टें लगाने में हेल्प होगी। और ये सेट जो था, ये भी हमने 3 सेट लगाए इसमें 5-5 रैप के। कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए कि 1 से 2 सेकंड आप अपनी चेस्ट पे होल्ड करें, ताकि आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़े, आपकी शोल्डर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो, उसकी होल्डिंग पावर बढ़े। तो इसी के साथ हमारा पावर लिफ्टिंग का वर्कआउट यहीं पे ख़त्म हुआ। राम राम सभी को।